कौन खा जा रहा है? यह सवाल क्यों? यह सवाल इसलिए क्योंकि रांची जिले के सोनाहातू में कई लोगों को उनके हक का राशन नहीं मिल रहा है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कार्रवाई करें तो उन पर ही कार्रवाई हो जा रही है, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पर सवाल उठ रहे हैं। सबके अपने अपने पक्ष हैं, पर जो बिचौलिए हैं उनकी चांदी है। और सबसे बड़ी बात, आम लोगों को राशन मिल नहीं रहा है, तो आम लोगों के हक का राशन आखिर खा कौन रहा है? ये रिपोर्ट देखिए सोनाहातू से। सोनाहातू में लोगों को नहीं मिल रहा राशन, डीलर कर रहे मनमानी। ये तस्वीर देखिए, हाथ में राशन कार्ड लेकर प्रदर्शन कर ये सोनाहातू के हारिन पंचायत के सोसोडी और पंचायत तेतला के सेरेंगडीह के लोग हैं। इनका आरोप है कि डीलर राशन नहीं देते, राशन वितरण में गड़बड़ी होती है। राशन देंगे और हम लोग को राशन मिलता ही नहीं है। हम लोग को ऐसा बहुत बार कर चुका है, 2-3 बार हम लोग को राशन दिया ही नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मई जून जुलाई के अभी तक हम लोग को राशन नहीं दिया है। अब यशो साहब गए थे जाँच में, जाँच भी किए हैं, तो पर भी हम लोग को उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रहा है डीलर के ऊपर हम लोग का। अब इस मामले को लेकर सोनाहातू के प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह को सुन लीजिए। 14 पंचायत के लिए 14 डीलर हैं, उनका जांच के लिए पहले आया था निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी के यहाँ से। उस आदेश के आलोक में मेरे द्वारा जांच किया गया, तो उसमें 5 डीलर का जांच करने का आदेश आया था, तो 5ों का जांच किया गया। उसमें 2 डीलर के यहाँ जो है अनियमितता पाई गई, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु जो है जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उसी वक्त आज से करीब 3 महीना पहले प्रतिवेदन भेजा जा चुका है। DSD के खिलाफ भी जो है वो रिपोर्ट आया था डीलरों के द्वारा कि राशन जो है वहाँ दुकान में पहुँचाया नहीं है और बिल जो है उसका पास हो गया, बिल DSO के यहाँ से साइन करा करके दे दिया। हमको सूचना दिया कि सब डीलर के यहाँ भेज दिया गया है राशन, उस सूचना के आधार पे हम वाउचर पे साइन कर दिए। लेकिन साइन करने के बाद तुरंत जो है जब डीलर से संपर्क किए कि क्या आप लोग ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं, तो लोग बोला कि काची का एंट्री करेंगे, अभी तो राशन मिला नहीं है हमको, नहीं मिला है। तो DSD से संपर्क किया गया व्हाट्सएप पे कि ऐसा डीलर बोल रहा है तो आपका क्या कहना है, आप जवाब दीजिए, तो वो जवाब कुछ नहीं दिया। बाद में जो है वो डीलर से लिखित मांगा, तो लिखित जो है वो देने से इनकार कर दिया डीलर, उसके खिलाफ व्हाट्सएप पे लिखा कि राशन नहीं मिला है जिसके कारण एंट्री नहीं हो पाएगा। जब अपने से जाँच किए इसका कहाँ कहाँ नहीं मिला, तो 10 दुकानदार करीब जो है बोला कि हम लोग को राशन नहीं मिला है। तो DSD के खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए भी उसी समय आज के 3 महीना पहले भेज दिया गया। मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र सोनाहातू के खिलाफ जो है यहाँ के जनता जो है कंप्लेंट किया, तो उसको पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ किया, उसके बाद यहाँ किया, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो है निर्देश दिया गया कि आप जाँच करके इस पर कार्रवाई की, तो उसका जांच किया गया, वहां भी अनियमितता पाई गई, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेज दिया गया, लेकिन अभी तक तो कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये मामला ऊपर तक नहीं पहुंचा, इस मामले की जानकारी रांची उपायुक्त से लेकर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री तक को है। लेकिन दिक्कत यह है कि मामले में सबके अपने पक्ष। अब जैसे डीलर को ही ले लीजिए, राशन डीलर तो साफ कह रहा है कि कोई ऐसा है जिसे राशन नहीं मिल रहा तो दिखा दीजिए। सर आप तो गांव आए हुए हैं, आप हम लोग का कहीं पर किसी प्रकार का कोई शिकायत कोई कार्डधारी से बुलवा दीजिए, चाहे आपको कोई इस तरह का कंप्लेन है बोल के डीलर के खिलाफ में तो कोई नहीं बोले हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो ईर्षा द्वेष से हम लोगों को स्पष्टीकरण पूछ के पैसा लेने का एगो वो तौर तरीका अपना के हम लोग को इस तरह से प्रताड़ित किए हैं। अब सवाल है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है? सबके अपने पक्ष हैं तो जांच क्यों नहीं हो रही?
सबसे पहले तो इस मामले में किसी भी बिल के पेमेंट पर रोक हो। इतना तो तय है कि भ्रष्टाचार हुआ है और यह भी तय है कि मामले में लीपापोती हो रही है, लेकिन लोगों का राशन आखिर खा कौन रहा है? सोना हाथू से न्यूज 11 भारत के लिए वसंत कुमार साहू की रिपोर्ट। बहुत नेगेटिव खबर।